आप सभी लोगों को पीहू किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एकदम प्यारी प्यारी से बिस्किट की, बच्चे एकदम मांग मांग कर खाएंगे, पैकेट का बिस्किट खाना भूल जाएंगे। तो आप एक कप गेहूं से जो बिस्किट है, आप भरपूर एकदम प्यारी बिस्किट आप तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी जो है बहुत नई रेसिपी हम बना रहे हैं आज, तो आप पूरे देखिए और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो देखिए हम हाथों से, तो देखिए हमारी बिस्किट जो है कितनी सॉफ्ट और नरम बनी है, आपको तोड़ने से पता चल रहा होगा। तो एक कप गेहूं से बिस्किट तैयार हम करेंगे, इतनी हेल्थी और इतनी प्यारी है खाने में, जो एकदम सॉफ्ट और नरम है कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे खाना। तो आप लोग ज़रूर एक घर पर ट्राई कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसके बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सबसे बड़ी परात। आप कोई भी बर्तन यहाँ पर बड़ा ले सकते हैं। और एक कप हमने लिए हैं गेहूँ का आटा है, आप नॉर्मल आटा जो रोटियां बनाते हैं वही आटा है। तो देखिए उसी कप से हमने लिए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं नारियल का मुरादा। तो चलिए फिर से हम इसी कप से हमने ले लेते हैं आधी कप जो है हमारी बारीक वाली सूजी, कोई भी सूजी आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमने लिए हैं चीनी का पाउडर बना लिए हैं, घर पर ही नॉर्मल चीनी जो हम यूज करते हैं ना वही चीनी का पाउडर बना लिए। अगर आपको पाउडर नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लिए हैं 4 चम्मच जो है वाइट वाली तिल्ली। तो तिल्ली से क्या है कि हमारा जितना टेस्टी बिस्किट बनेगा एकदम प्यारी बिस्किट की हम आपसे क्या बताएं। मार्केट में या बाज़ार में से बिस्किट लाते हैं तो ऐसे आप नहीं लाएंगे, इतना नरम और सॉफ्ट। घर पर इस एकदम सॉफ्ट और नरम बनाकर खाइए, बच्चे मार्केट का बिस्किट भूल जाएंगे। तो देखिए हमने ले लिए हैं घर का देसी घी है मोइन के लिए, जो बिस्किट है नरम एकदम होगी तो हमारा एकदम परफेक्ट। यहाँ पर हम आपको माप बताएं तो हम माप के नहीं यहाँ पर घी डाले हैं, हम आपको मोयन लगाते हुए देखिए यहाँ पर जो एकदम परफेक्ट मोयन लग गया, आटा जो है थोड़ा भी बिखर नहीं रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही मोयन चाहिए बिस्किट के लिए, तो परफेक्ट हमारा जो है मोयन लगाकर एकदम तैयार है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़े पानी डालते हुए एकदम सत आटा हम यहाँ पर गूँथेंगे। तो थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए हमें यहाँ पर सत आटा गूँथना है। तो आप देख सकते हैं जो है सत आटा जो है गुथा गया है। तो हमने पानी से आटा इसलिए गूँथे हैं, आप अगर दूध से गूँथेंगे तो आपकी बिस्किट है जो हफ्ते दिन चलेगी। तो हफ्ते दिन तक लिए अगर आपको 1 महीने रखना है तो आप पानी से आटा इसका सत एकदम गूँथिए। तो चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 10 मिनट हो गए, हमारे जो सूजी हम डाले थे ना तो अच्छी से हमारे जो सूजी है फूल गई है। तो चलिए बिस्किट के लिए हमारा जो है आटा एकदम परफेक्ट एकदम मुलायम सत तैयार। तो यहाँ पर हमने आटा को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए बिना बेलन और बिना चौकी की हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं बिस्किट की, एकदम हमारी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बिस्किट एकदम बिना बेलन और बिना चौकी की बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से चिकना करते हुए जो है हमें यहाँ पर रोल बनाना है। तो देखिए जो है हमने अच्छे से रोल बना लिए हैं। तो अगर आपका रोल जो है हल्का सन बिखर रहा है, फटा फटा दिख रहा है तो आप दबाते हुए जो अच्छे से डिवाइड करते हुए आप यहाँ पर चिकना कर सकते हैं। तो देखिए हमने मीडियम साइज़ का जो है रोल पतला बनाए हैं, आपकी वहाँ पर चॉइस है, आप बड़े छोटे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम नाइस के बगल से हम यहाँ से दोनों हिस्सा जो है थोड़ा थोड़ा हम निकाल देते हैं, उसको हम बाद में बिस्किट बना लेंगे। तो हम छोटे छोटे जो है पीस यहाँ पर पतले पतले हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे कटिंग करेंगे तो मार्केट की तरह आपकी बिस्किट जो एकदम पतली पतली दिखेगी। तो आप यहाँ पर बड़े छोटे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है हमारी बिस्किट बिना चौकी और बिना बेलन के हमारी एकदम परफेक्ट तैयार होगी। हम आपको इसी तरह दिखाएंगे सब बिस्किट के हमें इसी तरह जो है तैयार करना है। तो देखिए हाथों से थोड़ी सी हमने फोल्ड करते हुए अच्छे से चिकना करते हुए हमने हाथों की मदद से हम दबाते हुए जो है, अगर दबा रहे हैं तो दबा दीजिए, अगर ज़्यादा पतला रख रहे हैं दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़ा सा हल्के सुन जो है हाथ से मदद से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बिस्किट एकदम परफेक्ट एकदम चिकना हुए, थोड़ी सूजी की वजह से ना यहाँ पर बिखरी दिख रही है, अगर आप चिकना कर देंगे दबा देंगे तो एकदम परफेक्ट एकदम आपकी बिस्किट जो एकदम दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सब बिस्किट को एकदम बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई के लिए इधर हम गैस पर वेल भी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो इसी तरह सब हमें बिस्किट तैयार करना है। तो देखिए हमारा इधर है जो वेल एकदम परफेक्ट गर्म है फ्राई करने के लिए, तो एकदम मीडियम फ्लेम। तो हमने एक एक कर बिस्किट यहाँ पर ऐड कर फ्राई कर लेंगे। तो एकदम जो गैस का फ्लेम है एकदम स्लो रखने का है, ज़्यादा टेम्परेचर हाई पर नहीं रखने का है, नहीं आपकी बिस्किट अंदर से जो है कच्चा ही रह जाएगा, ऊपर से जो सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। तो एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे।
तो हमने एकदम उलटते पलटते जो अपने प्यारी प्यारी बिस्किट को एकदम मीठे मीठे को हमने उलटते पलटते हुए गोल्डन की तरह हमें फ्राई कर लेना है। उलटते पलटते तो देखिए अभी हम इसको पलट नहीं रहे हैं, तब तक जरा मेरा थोड़ा अंदर से जो है अच्छे से सेक ना जाए, फ्राई ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है एक मिनट के बाद हमने इसको पलट रहे हैं, तो देखें ना कितना एकदम परफेक्ट हमारी जो बिस्किट है देख रही है लग फ्राई करते हुए। तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कप गेहूं से आप ये बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपके बच्चे के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप कभी भी ये बिस्किट जो है बनाकर खा सकते हैं, आपको ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा, आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी है कि आप एक कप गेहूं के आटे से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, सभी को पसंद आएगी। तो ज़रूर एक बार आप एक घर पर बनाकर खाइए, देखिए बच्चों को एकदम प्यारी प्यारी एकदम सबकी पसंद की बिस्किट बनेगी। आप अगर किसी को खाने के लिए देंगे ना तो किसी को यकीन नहीं होगा कि आप गेहूं के आटे के जो बिस्किट आपने बनाकर तैयार किए हैं। तो आप ज़रूर एक बार घर पर ट्राई कीजिए, मैं एक बार नहीं करें, मैं आपसे बार बार कर रही हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करने के लिए आप लोग भूलना मत, ज़रूर कर देना। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्राई अच्छे से इसका जो है कलर हो गया है, चेंज हो गया है, तो हम इसको अब निकाल देते हैं। तो देखिए एकदम कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम, एकदम बिखरी बिखरी हमारी बिस्किट देख रही है ना, एकदम प्यारी प्यारी एकदम। तो हमारी प्यारी बिस्किट एकदम मीठे मार्केट की तरह एकदम फ्राई होकर एकदम बिखरे बिखरे देखिए एकदम दिख रही है ना, खाने में जो एकदम खसखस है, एकदम नरम और सॉफ्ट है, एकदम हम तिल्ली का फ्लेवर दें इतना सॉफ्ट है और इतना नरम उसके खाने का एकदम खुशबूदार हमारी बिस्किट जो बनी है ना, कि आप यकीन मानिए कि अगर एक बार बनाएंगे आप बार बार बनाकर जो बच्चों को टिफिन में लंच में आप रोज़ तो जो मार्केट की बिस्किट होती है पता नहीं कैसे बनाते हैं, नेचुरल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो आप एकदम शुद्ध घर पर ये बिस्किट बनाकर बच्चे को खाने के लिए दीजिए, एकदम मीठे मीठे एकदम प्यारी प्यारी की बच्चे आपका खाकर एकदम खुश हो जाएंगे, आपसे बार बार एक बनाई बार बार कहेंगे ये बिस्किट बनाने के लिए इतने स्वादिष्ट और देखने में जो एकदम प्यारी प्यारी मीठी मीठी। तो हमने जो है दूसरा बेस भी हम फ्राई कर लिए हैं इसी तरह, गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर कर एकदम बिखरे बिखरे देखिए दिख रहे हैं ना, हम आपको सामने से दिखा रहे हैं। तो देखिए सब हमारी बिस्किट है फ्राई हो गई है, हम आपको बताएं फ्राई करने में इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेगा आपको गैस का फ्लेम एकदम स्लो करते हुए फ्राई करने के लिए। तो देखिए एकदम हमारी बिस्किट एकदम खसखसी एकदम खस्ती और टेस्टी जो है परफेक्ट एकदम बनकर तैयार है। तो देखिए हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं, देखिए कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट, तो देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट है और अंदर से एकदम नरम है, ऊपर से एकदम खसखसी है कि हम तोड़े हैं तो एकदम चूरे चूर हो गई है। तो आप भी ज़रूर बच्चे के लिए बनाइए, और मार्केट का बिस्किट पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, तो आप शुद्ध घर पर बनाकर बच्चों को एकदम फ्रेश खिलाइए, सभी को पसंद आएगा। तो एकदम देखिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।